गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पैन लेना है और पैन के ऊपर थोड़ा सा घी डालें। ये घी है, इसको थोड़ा सा चला ले। और हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। चलाते रहे इसे। और ये हमारा घी है, मेल्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट से उसे थोड़ा सा गोल्डन करना है, 2 से 3 मिनट चलाना है। और चला लें उसे। चला लें उसे। हल्का सा गोल्डन कर ले। और ये हमारी आज की रेसिपी थी गाजर का हलवा, और हम आपको बना के दिखाएंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स है, इसे हल्का सा गोल्डन किया हमने। गोल्डन करके इसे निकाल लें। और ये हमारे ड्राई फ्रूट से गोल्डन हो चुके हैं। और ये हमारा गाजर है, हमने इसे बारीक सा काटा है। और 15 से 20 मिनट हमने इसे पकाना है। चला लें इसे। जैसे कि 15 से 20 मिनट हो चुका है, और उसके बाद हमने इसे पकाया है थोड़ा। और पकाने के बाद 15 से 20 मिनट हो चुका है, और उसके बाद हमने 1 कप शक्कर लिया है। ये हमारे शक्कर है, उसे ऐड करें और मिक्स करें और चला लें। चला लें इसे। और आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा। और हमने इसमें शक्कर ऐड किया है, और उसके बाद 10 मिनट हमें इसे और पकाना है, ताकि हमारी जो रेसिपी है काफी शानदार हो, अच्छी बने और खाने में काफी टेस्टी हो। दस मिनट और पका लें और इसे चला लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, और उसके बाद हमने 1 लीटर दूध है उसे डालना है। ये हमारे दूध है, ये फुल क्रीम दूध है, 1 लीटर दूध है। दूध अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो रेसिपी है अच्छी बने, इंटरेस्टिंग हो। और इसको 20 से 25 मिनट हमें पकाना है। और हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा।
और ये हमारा गाजर का हलवा है। और 20 मिनट हो चुका है, 20 मिनट तक हमें चलाना है इसे। 20 मिनट तक इसे चलाना है और ये हमारा गाजर का जो हलवा है बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, 15 से 20 मिनट तक और चलाना है इसे और ये हमारा गाजर का हलवा है, बन रहा है ये। इस तरह चलाते रहें, 15 से 20 मिनट हमें पकाना है और ये हमारा गाजर का हलवा है जो पक रहा है और थोड़ा सा और बाकी है इसमें। और हमारी आज की रेसिपी थी गाजर का हलवा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलाते रहें ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है वो जले ना। इसे चलाते रहना हमें। और ये हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट फूड है गाजर का हलवा, और हम इंडियंस इसे बड़े शौक से खाते हैं। दस मिनट और पका लें। और ये हमने थोड़ा सा मावा लिया है, खोवा है ये, इसे थोड़ा सा और डालें ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है काफ़ी टेस्टी हो, खाने में और अच्छा लगे, टेस्ट आए, मज़ेदार बने। थोड़ा सा हमने खोवा ऐड किया है और फिर उसके बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए और पकाना है। पका लें ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है वो काफ़ी अच्छा शानदार बने, मज़ेदार हो और खाने में काफ़ी टेस्टी हो। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा मिक्स करें और मिक्स करके चला लें ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है काफ़ी शानदार बने, अच्छा बने। इसे थोड़ा सा चला लें। और ये हमारा गाजर का हलवा है जो रेडी हो रहा है। ये हमारा गाजर का हलवा है जो बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, और हमारी आज की रेसिपी थी गाजर का हलवा। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। और ये हमारा बॉल्ड है और हमने इसे गाजर का हलवा जो है ऐड करना है ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है इसमें हम गार्निशिंग कर सकें। और इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो डालेंगे ताकि खाने में काफ़ी टेस्टी हो। ये हमारा बॉल्ड है और हमने इसमें ऐड किया है गाजर का हलवा और हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं अभी। और ये हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है और उसके बाद हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स है वो डाल लें, ऐड करें
गार्निशिंग करना है हमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये हमारा खोवा है, इसे मावा भी बोलते हैं। थोड़ा सा डालें, गार्निशिंग करना है हमें। हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, खोवा है और हमने इसमें डाला है, ऐड किया है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी आज की रेसिपी थी, गाजर का हलवा।